मैं रीता कदम, आज मैं आपको स्वेटर की डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगती है, बारीक डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर है। ये 3+1 के फंदों पर बनती है। देखिए मैंने 21 फंदे डाले हैं। अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अपने को ये फर्स्ट फंदा ये अपनी तरफ से उल्टा बुनना है, फिर ऊन पीछे करके ये 1, 2, 3 फंदे इनको एक साथ लेना है, तीनों को। ये देखिए 1, 2, 3 तीनों को एक साथ लेना है इनका, एक क्या ये देखिए इनको छोड़ना नहीं है। फिर ये ऊन अपने इधर कर कर इसमें एक ये ऐसा बुनना है, तो ये 3 फंदे के भी 2 हो गए। फिर इसको पीछे किया ऊन को और फिर एक और किया, मतलब 3 फंदे के 3 फंदे कर लिए अपन ने। ये देखिए इस प्रकार, ठीक। अब ऊन अपने इधर करके एक उल्टा ऊन पीछे, फिर ये 1, 2, 3 ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 या ऊन अपने इधर किया, ये 2। इसी प्रकार ये पूरी सिलाई बुनी जाएगी, एक उल्टा और 3 फंदों के 3 करने हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये 3 फंदे अपन ने तीनों का 3 बना लिए। फिर इसको अपने इधर किया, फिर ये एक उल्टा, फिर ये 1, 2, 3 फंदे। इसी प्रकार फ्रेंड पूरी रो बुनी जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में पहले उल्टा आया था तो एंड में भी एक फंदा उल्टा। अब सेकेंड रो, सेकेंड रो में ये जो इधर से उल्टा बुना था, इधर से इसको अपन सीधा बुनेंगे। ये देखिए इसे, तो ये एक फंदा सीधा हो गया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। ऐसी इसी प्रकार पूरी रो बुनी जाएगी, एक उल्टा एक सीधा। ये जो उधर से अपन ने उल्टा बुना था, ये वापस इधर से आएगा तो इधर से सीधा बुना जाएगा। ये एक उल्टा ये इधर किया, ये एक सीधा। इसी प्रकार एक सीधा एक उल्टा करके पूरी रो कंप्लीट कीजिए। ये देखिए सेकंड रो कंप्लीट हो गई। तो अपन ने फर्स्ट रो में क्या किया था कि एक फंदा उल्टा बुना था और 3 फंदों का 3 किया था। अब इसमें डिज़ाइन थोड़ी सी बदल, तो अब ये थर्ड रो में क्या होगा कि ये फर्स्ट जो उल्टा था इसको तो उल्टा ही बुनेंगे, उसके बाद एक फंदा उसको सीधा बुनेंगे और उसके बाद फिर एक फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब 3 फंदे बुन लिए जाएंगे और अब इन 1, 2, 3 इन 3 फंदों पर 3 करेंगे। तो अब इसमें अपने को ये देखना है कि इसमें बीच में ये उल्टा आना चाहिए, इधर सीधा बीच में उल्टा। ये देखिए इस प्रकार है ना, तो अब एक उल्टा हो गया, एक सीधा एक उल्टा। अब ये इनको अपन ने तीनों फंदे लिए, इन तीनों का फिर वही 3। अब उसी प्रकार से 3 फंदों के 3 बनाना है और एक उल्टा बुनना है और एंड में फिर वो 3 फंदे सिंपल बुनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा करके। ये देखिए हो गए। अब ये एक फंदा उल्टा है ना, ये उल्टा और फिर ये देखिए ये सीधा है, ये सीधा है, फिर ये उल्टा है। अब फिर इनके 3 के 3 किए जाएंगे। इसे अपनी इधर धागा किया, ये 2, फिर ये इसे ऊन पीछे किया, ये 3। अब ये जो 3 बने हैं इनको अपन क्या करेंगे, इनको ये उल्टा है तो इसको उल्टा ही बुनेंगे, सीधा है तो सीधा और ये उल्टा है उल्टा। तो ये देखिए ये 1, ये सेकंड वाला सीधा, ये थर्ड रो में होगा फ्रेंड्स ऐसा। ये देखिए अब फोर्थ रो, फोर्थ रो में भी वही होगा, ये सीधा दिख रहा है ना, इसको अपने को इधर से सीधा बुनना है, उसके बाद का सेकंड फंदा ये उल्टा, ये फंदा सीधा, पूरी रो इसी प्रकार बुनना है। अब एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। ये देखिए फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब फिफ्थ रो फर्स्ट रो जैसी बनेगी कि सिर्फ ये एक फंदा बुनेंगे और उसके बाद ये देखिए ये सीधा है, ये उल्टा, ये सीधा, फिर इन तीनों को 3 बनाएंगे। ये देखिए एक 2 और ये 3। जैसी फर्स्ट रो थी अब वो फर्स्ट रो की तरह बुनी जाएगी। ये देखिए एक उल्टा, ये 1, 2, 3 ये पूरी बन जाती है ना फ्रेंड, जैसे जैसे बनती है ना बहुत सुंदर लगती है डिजाइन। आप स्वेटर पे डालेंगे बहुत ही सुंदर लगेगी। ये देखिए
और ये फर्स्ट रो की तरह ही बुनी जाएगी है। ये देखिए, ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए डिज़ाइन दिखने लगी है। ये देखिए अब सिक्स रो उसी प्रकार ये सीधा दिख रहा है ना फर्स्ट, तो इसको सीधा, उसके बाद फिर ये एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इसी प्रकार ये रो सिक्स रो कंप्लीट होएगी। ये देखिए सिक्स रो कंप्लीट हो गई। अब सेवन्थ रो थर्ड रो की तरह बनेगी। जैसे थर्ड रो में ये एक उल्टा किया था, फिर एक सीधा और ये एक उल्टा। थर्ड रो में तीन फंदों के बाद डिज़ाइन डाली थी, फर्स्ट रो में वन फंदे के बाद। बस इतना ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि ये सीधा हो, ये सीधा हो, और इसके बीच में उल्टा फंदा हो, जिनको अपन तीन फंदों के तीन बनाएंगे उनमें। ये देखिए ये एक, ये दो और ये तीन। अब एक फंदा उल्टा, फिर एक दो तीन, एक दो। इसके एंड में भी तीन फंदे फिर वैसे ही बुने जाएंगे, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा। इसी प्रकार ये रो कंप्लीट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये सेवन्थ रो कंप्लीट हो गई। ये डिज़ाइन भी अपना खूब सुंदर दिखने लगा है। देखिए अब एट्थ रो में भी उसी प्रकार ये जो अपने को सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुनना है, उसके बाद का एक उल्टा, फिर इसी प्रकार पूरी रो करना है, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा। ये देखिए एट्थ रो कंप्लीट हो गई। अब नाइन्थ रो फर्स्ट रो की तरह ही बुनी जाएगी। ये देखिए अब इसमें फर्स्ट रो में वन बुना था ना, उसके बाद डिज़ाइन डली थी, तो नाइन्थ रो में भी उसी प्रकार डिज़ाइन डलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक उल्टा बुना जाएगा। सो फ्रेंड, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।